हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा हम गुलाब यानी रोज़ की कटिंग घर में कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये कुछ गुलाब के कटिंग ले लिया हूँ। इनको काट करके मैं पानी में डाल दिया हूँ ताकि ये ज़्यादा समय तक ताज़ा रह सकें। दोस्तों, हमें गुलाब की कटिंग लगाने के लिए करीब 6 से 7 इंच लंबाई वाला कटिंग लेना है। दोस्तों, आपको गुलाब की कटिंग लगाने के ऐसा कटिंग लेना चाहिए जो कि सेमी हार्डवुड कटिंग हो, ज़्यादा नया ब्रांच नहीं हो कि बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं हो। और आप एक पेंसिल की साइज़ का कटिंग ले सकते हैं और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। और उसके बाद कटिंग का सारा लीफ रिमूव कर देना है। मैंने सारे लीफ रिमूव कर दिया है। और उसके बाद बॉटम की तरफ एक 45 डिग्री एंगल में शार्प अप करना है इस तरह से। दोस्तों, इसके लिए मैं जो पॉटिंग सॉइल यूज़ कर रहा हूँ उसमें सैंड और सॉइल 50% इक्वल रेशियो में मिक्स करके इस पॉट में भर दिया हूँ। दोस्तों, मैं गुलाब के कटिंग लगाने के लिए किसी भी रूटिंग हार्मोन का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुलाब का कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरा यह पॉटिंग सॉइल को पानी से अच्छी तरह से भिगा दूँगा ताकि सॉइल पॉट में अच्छी तरह से सेट हो जाए। दोस्तों, मैंने इसमें अच्छी तरह से पानी दे दिया है। अब हम इसमें कोटिंग लगाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी टूल या किसी एक स्टिक की मदद से इस तरह से होल कर सकते हैं। दोस्तों, कोटिंग के लगाने के बाद उसके आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। दोस्तों, अब हमारे कोटिंग लग चुके हैं। अब इसमें और थोड़ा सा पानी दे देंगे। दोस्तों, मैं अब इन कोटिंग्स को ऐसी जगह पर रखूंगा जहां पे सिर्फ सुबह का 3-4 घंटे का सनलाइट मिलता हो। दोस्तों, ये मैंने जो कोटिंग लगाया था उसका 20 डेज बाद का रिजल्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे सारे कोटिंग अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं और इनमें अच्छी तरह से लीफ भी आना शुरू हो गया है। और दोस्तों, मेरा एक कोटिंग में तो फ्लावर बर्ड भी नहीं आ गया है, ये छोटा सा फ्लावर बर्ड है। लेकिन अभी तक तो ये कटिंग पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इनको करीब और 15 से 20 दिन तक इसी पॉट में इसी रहने देना चाहिए। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से रूट जो बन जाएंगे, उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दूसरे पॉट में। दोस्तों, मैंने ये और कुछ कटिंग लगाया था, ये इसमें मैंने सिर्फ
नॉर्मल सेंट का यूज़ किया था दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए इसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरा कटिंग बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा मुझे। मैंने इन कटिंग्स को करीब 1.5 महीना पहले यहाँ पे लगाया था और अब जाके वो ग्रो होना है। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।